वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। काशी भारत के हर नागरिक के मन में बसी है। भगवान शिव की नगरी का कायाकल्प होते हुए इन 5 सालों में लोगों ने देखा है। बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, जहां श्रद्धालु आसानी से मां गंगा में स्नान करके पहुंच सकते हैं। भारतीय अध्यात्म और पुरातन संस्कृति का केंद्र बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर में 4 नई प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें मां भारती की प्रतिमा होगी, दूसरी प्रतिमा अहिल्या बाई जी की होगी, जिन्होंने कभी काशी मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था। तीसरी प्रतिमा भगवान कार्तिकेय और चौथी प्रतिमा आदि शंकराचार्य के स्थापित की जाएगी। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले मातृभूमि समेत अपने आराध्य देव और सनातन संस्कृति के रक्षक इन प्रतिमाओं को प्रणाम करेंगे। चार प्रतिमाएं लगेंगी, एक भारत माता की, महारानी अहिल्याबाई होलकर की, उसके पश्चात कार्तिकेय की और आदि शंकराचार्य की। ये चारों मूर्तियां मंदिर परिसर के बाहर जो हमारा पूरा काशीनाथ धाम बना है उसमें प्रत्येक प्रत्येक स्थान पर बनेगी। अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का करीब 240 साल पहले जीर्णोद्धार कराया था उसका, और आदि शंकराचार्य जी का भी इस पूरे काशी में आगमन हुआ था उसके लिए भी, और बाकी भारत माता का राष्ट्रवाद के लिए, और कार्तिकेय जो हमारे शिव परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी एक मूर्ति प्रतिमा स्थापित की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो चार प्रतिमाएं लगनी हैं वह भारत माता की प्रतिमा, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, अहिल्याबाई होलकर जो परम शिव भक्त थी जिन्होंने पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया उनकी प्रतिमा, और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा। इस प्रकार से चार प्रतिमाओं का यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी, और सर्वप्रथम माँ गंगा के तट से गंगा जल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी के प्रिय सांसद हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनका स्वप्न साकार हो रहा है, जिनके कारण आज यह दिव्य और भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने जा रहा है, जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे से उठकर के 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में सुविस्तृत और सुव्यवस्थित धर्म प्राण भक्तों के लिए समर्पित होने जा रहा है, उसका भव्य उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है।